分。जनता टीवी के इस शो कुक विद नीता मेहता में मैं नीता मेहता आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बनाएंगे रेड बीन एंड चिकपी सैलेड। आधा कप लाल राजमा भीगे हुए, आधा कप काबुली चने भीगे हुए, एक टमाटर बिना बीज के लंबाई में कटा हुआ, एक छोटी शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई, एक प्याज स्लाइस्ड, दो तीन बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर, एक कप अंगूर, दो बड़े चम्मच मेयोनीज, एक बड़ा चम्मच स्वीट चिली सॉस, नीता मेहता चना मसाला। रेड बीन एंड चिकपी सैलेड, चिकपी मतलब चने और रेड बीन मतलब राजमा, तो राजमा और चनों से सैलेड बनाएंगे। ये दोनों चीज़ें हमने रात को भिगो के रखी हुई हैं और अब इसे हम उबालेंगे। तो चलिए, कुकर में हमने डाला चने भीगे हुए, राजमा, और पानी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए सैलेड के लिए, तो उतना ही पानी, अबाउट आधा कप के करीब, जो आपकी एक दो सीटी के बाद 4-5 मिनट तक चल जाए, ताकि आपके राजमा और चने नीचे ना लगे। नमक तो डालेंगे ही स्वाद के लिए, नहीं तो उबलने के बाद फीके फीके लगेंगे राजमा आपको। जरा नमक डाल के एक बार मिला दिया करिए। अब इसकी सीटी का, अब जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, उतनी देर हम थोड़ी सी सैलेड की तैयारी कर लेते हैं। सैलेड में फ्रूट ज़रूर डालना चाहिए, पर ज़रूर तो नहीं मैं बोलूँगी, पर अच्छा लगता है फ्रूट। आप फ्रूट डालें, मैं कह रही हूँ, पर ज़्यादा फ्रूट ना डालें, बिकॉज आप फ्रूट सैलेड ना बनाकर वेजिटेबल सैलेड बना रही हैं। तो थोड़ा सा फ्रूट डालेंगे हम। इसमें मैंने ग्रेप्स लिए हैं, अगर आपको देसी अंगूर मिल जाते हैं तो उनके अंदर बीज नहीं होते, तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने ये इम्पोर्टेड ग्रेप्स लिए हैं, तब तो इसके अंदर आपको काट के बीज निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे आप ग्रेप्स को हाफ कर लीजिए। अगर आपको ग्रेप्स नहीं मिलते हैं तो आप एप्पल भी डाल सकते हैं। एक दो ग्रेप्स मैं छोड़ देती हूँ, इसका आपको बाद में फैन बनाना बताऊँगी। गार्निशिंग, सैलेड पे गार्निशिंग अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा गार्निश भी कर लेंगे हम ग्रेप्स के फैन से। तो ये दो मैंने साबुत छोड़ दिए हैं, तो इन्हें हम गार्निश में यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जो आप सैलेड में टमाटर डालते हैं, उसको गूदे के साथ ना डालिए। आप टमाटर को हमेशा डीसीड करिए, तो इसके लिए आप टमाटर को 4 टुकड़ों में लंबाई में काट लीजिए। लंबाई में काटने के बाद इसका बीच का हिस्सा, जो ये गूदे का है, ये निकाल लीजिए। और अब इस टमाटर को आप चाहे स्लाइस करिए, चाहे आप स्क्वायर्स काटिए, डाइस करिए, जो आपकी इच्छा है। इसमें हमने लंबा लंबा काटा हुआ है, तो ऐसे हम इसको लंबा लंबा काट लेंगे टमाटर को। तो ये मेरे पास डीसीडेड एंड स्लाइस टमाटो पड़ा हुआ है। ओके, और क्या चाहिए हमें इसके लिए? गार्निश में आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ग्रेप्स की जगह ऑरेंजेस भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेड ऑरेंजेस कैसे यूज़ करते हैं गार्निश में, उसके लिए आप एक काम करें, इसे सबसे पहले थोड़ा ऊपर से काट दें और इसको नीचे से भी थोड़ा सा काट लें, ताकि ये फ्लैट हो जाए। एंड देन इसको ऐसे निकालें। चारों तरफ से इसका छिलका निकाल दें। ऐसे आपने छिलका, अब ये देखिए सीटी आ गई। अब इसकी मैं आंच धीमी कर देती हूँ, 3-4 मिनट। वैसे तो जब हम राजमा चने उबालते हैं सब्जी बनाने के लिए या करी बनाने के लिए, तो 10-15 मिनट रखते हैं, पर हमें ज़्यादा नरम राजमा चने नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको सिर्फ 4-5 मिनट ही रखेंगे। अब इस तरफ से आपने ऑरेंज को कर लिया, अब उल्टा कर लीजिए और इस तरफ से भी आप इसका पील निकाल लीजिए। ये वाइट पिथ अच्छी तरह से निकाल लीजिए, वो थोड़ी सी फिर कड़वी लगती है अगर आप ना निकालें तो। ये देसी संतरे को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ जो इम्पोर्टेड ऑरेंजेस हैं वो ही इसी तरह से कटते हैं।
अब हमने इसका स्लाइस कर देना है ऐसे ऐसे, आपके ऑरेंजेस निकल गए। और ये बीच के अगर बीज हैं इसमें तो वो भी निकाल दीजिए, ज़्यादा बीज नहीं होते इसमें, थोड़े बहुत हैं वो आप निकाल दीजिए। चार पांच सीटियाँ आ गई हैं तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। ये आपका ऑरेंज भी कट गया, आपके अंगूर भी तैयार हैं। अब इसकी हमें चाहिए ड्रेसिंग। नॉर्मली तो हम मेयोनीज यूज़ करते हैं सैलड्स में ड्रेसिंग देने के लिए, तो वही कॉन्टिनेंटल टेस्ट आता है। मैं इसमें थोड़ा सा देसी टच, मैंने जैसे कि आपको बताया था, वो देना चाह रही हूँ अपने सैलड में। उसके लिए मैं मेयोनीज में मिलाऊँगी एक अपना देसी मसाला। तो ये 2-3 चम्मच आप मेयोनीज ले लीजिए और उसमें आप डालिए 1 टीस्पून चना मसाला, नीता मेहता चना मसाला। तो अब मेयोनीज जो कॉन्टिनेंटल चीज़ है वो बन गई हमारी इंडियन ड्रेसिंग। ऐसे ना मेयोनीज बहुत गाढ़ी लगती है जब हम ड्रेसिंग बनाते हैं, सो ऑलवेज रिमेम्बर थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़रूर मिलाएं मेयोनीज में, अबाउट 1-2 टेबल स्पून ऑयल आप इसमें मिला सकते हैं। अगर आप मेयोनीज नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, दही का इस्तेमाल करेंगे। आप हंग योगर्ट यूज़ कर सकते हैं इसमें मेयोनीज की जगह, उसमें भी आप चना मसाला मिला दें तो वो भी आपकी ड्रेसिंग तैयार है। कभी कभी हंग योगर्ट में थोड़ा सा और बहुत दही का टेस्ट ना आए उसके लिए आप थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड भी मिला सकते हैं। तो ये मेयोनीज ऑयल और चना मसाला मिल गया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून स्वीट चिली सॉस। अगर आप ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1.5 तक जा सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो 1 चम्मच आप टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनीज की शक्ल ही बदल गई, जैसे वाइट थी बिल्कुल ऑरेंजिश कलर, ब्राउनिश ऑरेंज हो गई है, देसी कलर आ गया है, नो लॉन्गर दी कॉन्टिनेंटल मेयोनीज। मेयोनीज में सॉल्ट होता है तो ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा सॉल्ट हम डालेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स में, चनों में तो हमने डाल दिया है सॉल्ट, पर वेजिटेबल्स में हमें थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, तो ज़्यादा नहीं, अबाउट 1/4 टीस्पून सॉल्ट। और मुझे गार्लिक पाउडर पर्सनली बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा सा इसमें गार्लिक पाउडर डालूंगी, अबाउट 1/2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ना हो तो ब्लैक पेपर डाल दें थोड़ा सा। ये आपकी ड्रेसिंग तैयार है। राजमा चने चलिए देखते हैं कैसे उबले हैं, प्रेशर उतर चुका है और अब, हाँ जी, राजमा तो बिल्कुल हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं, पानी की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसलिए ये ऐसा कुछ ले लीजिए जिससे पानी ना आए। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, राइट, डन। ना कच्चे हैं और ना ही वो ओवर बॉइल्ड हैं, राजमा भी बिल्कुल ठीक है। बाहर निकाल लीजिए और इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। जब तक ये ठंडे होते हैं, क्योंकि ये देसी सा सैलेड है तो इसके लिए हम पापड़ से गार्निश करेंगे, तो पापड़ सेक लेते हैं। नॉर्मली आप पापड़ को फ्राई करते हैं कढ़ाई में, या फिर आप वैसे ही गैस पे रोस्ट करते हैं। कभी आपने तवे पे करके देखा है? चलिए तवे पे करते हैं। ज़रा सा तेल डालिए अपने तवे पे और तवा जब गर्म हो जाए तो उसके ऊपर पापड़ डाल दीजिए। पापड़ को जब आप तवे पे रोस्ट कर रहे हैं तो इसे थोड़ा दबा दीजिए, ऐसे पापड़ का अलग सा ही स्वाद आता है। ये जैसे हम सैलेड बना रहे हैं इसके साथ मैं पापड़ रखूंगी, जैसे आप क्रैकर्स रख देते हैं या कोई लवाश ब्रेड रख देते हैं, उसी तरह हम पापड़ रख रहे हैं, और ये पापड़ के साथ भी आप सैलेड खाएंगे तो बड़ा स्वाद लगता है। मैं ये घर में बहुत बनाती हूँ क्योंकि पार्टीज़ में आप अगर राजमा चने घर में बनाओ तो लोग कहते हैं क्या वही राजमा चने, तो मज़ा नहीं आता। बट राजमा चने अगर इंक्लूड करना चाहते हैं किसी पार्टी में तो उसका आप सैलेड बना लें, और इसी सैलेड को आप सैलेड की तरह सर्व कर दें या किसी कैनपी में डाल के
जैसे कोई लच्छा टोकरी में या कैनपी में डालकर भी एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। ये पापड़ भी बस हो गए हैं, मैं गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ी बहुत कसर है, ये अपने आप ही हो जाएंगे। जब तक मैंने आपको कहा था मैं आपको ग्रेप का फ़ैन सिखाऊंगी, तो चलिए मैं पहले ग्रेप का फ़ैन बनाते हैं गार्निश के लिए। मैं गैस बंद कर देती हूँ, एक बार पलट के हम इसको रख देते हैं। डेकोरेशन के लिए हम ग्रेप का फ़ैन बनाते हैं, उसके लिए ग्रेप ले लीजिए, छोटे ग्रेप से काम नहीं चलेगा, बड़ा ग्रेप चाहिए आपको इसके लिए, और इसके पतले पतले स्लाइसेस करना है आपने एंड तक। काटना नहीं है पर एंड तक नहीं काटना है, और जब ये बन गया तो ऐसे इसको आपने करना है, तो ये आपका एक फ़ैन सा बन जाता है इस तरह से, तो आप ग्रेप का फ़ैन बना सकते हैं ऐसे। चलिए अब ये ठंडे हो गए हैं, पापड़ भी हमारे देखिए अच्छे रोस्ट होकर ऑरेंज रेडिश ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम ड्रेसिंग डालते हैं, ड्रेसिंग डालने से पहले चने राजमा में बाकी का सामान डाल देते हैं। ये हो गई शिमला मिर्च, अगर ये शिमला मिर्च आपको बहुत लंबी लगे, एक्चुअली छोटी शिमला मिर्च बेटर रहती है, अगर बहुत लंबी है शिमला मिर्च तो बहुत लंबे लंबे पीसेस जब आप खाते हो तो वो गिरते हैं तो मुश्किल होती है, तो आप इसको हाफ में कर दीजिए। तो ये आपका थोड़े से लंबे कटे हुए टुकड़े हैं पर थोड़े छोटे हैं, ऐसे ही आप टमाटर को कर सकते हैं, बहुत लंबे स्लाइसेस नहीं अच्छे लगते सैलेड में। और जो प्याज हैं उसको आपने स्लाइस किया, उन्हें खोलना मत भूलें, बहुत मोटा मोटा ऐसे गट्ठा सा नहीं अच्छा लगता, इसको आपने खोलना है, तो इसलिए जब आप स्लाइस करें तो जो इसकी गांठ है उसको हटा के स्लाइस करें, जिससे आपका प्याज ठीक से खुल सके। कई बार लंच में लोग ऐसा प्याज नहीं पसंद करते हैं, तो उसके लिए जैसे हमने ये पापड़ किया था उसी तरह से तवे पे थोड़ा सा तेल लगा के आप इसको अनियन को भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो बहुत कच्चा प्याज नहीं अच्छा लगता कई बार लोगों को, पर अपना अपना टेस्ट है, रात के लिए तो कच्चा प्याज बहुत अच्छा लगता है, दिन में कभी कभी थोड़ा सा प्याज को सॉटे करके स्लाइटली कुक कर ले। ये टमाटर आ गए डीसीडेड हैं जो मैंने आपको बताए थे, और अब क्या रह गया, थोड़ा सा हरा धनिया रह गया इसके अंदर, और फ्रूट जो हमने काट के रखा था। लास्ट में इसमें हमने ड्रेसिंग मिलानी है, ड्रेसिंग मिलाने से पहले इसको एक बार मिला लेते हैं सब चीज़ों को, राजमा चने ऊपर आ जाएंगे, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, रेड ग्रीन अनियन का पर्पल। अब इसमें हमने ये ड्रेसिंग मिलानी है जो हमने तैयार करके रखी हुई मेयोनीज की, चना मसाला डाल के, सैलेड को मिक्स करने के लिए इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप फॉक यूज़ करें, ड्रेसिंग उतनी हो जो आपके चने राजमा को और सब्जियों को कोट कर ले, बहुत हेविली ड्रेस्ड सैलेड्स आर आउट। चलिए ये भी हो गया है, आई विल जस्ट टेस्ट द सॉल्ट एंड ऑल, ठीक लग रहा है, थोड़ा सा जो ये स्वीट चिली सॉस है थोड़ी सी और जा सकती है इसके अंदर, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देती हूँ, बस दिस शुड बी गुड इनफ। चलिए अब इसे सर्व करते हैं हम पापड़ के साथ। ये पापड़ रोस्टेड है, इसको मोटे मोटे टुकड़ों में कर लीजिए, बड़े बड़े टुकड़ों में, ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्प हो गया है ये पापड़, थोड़ा सा आप इसको हटाकर भी पापड़ नीचे डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऐसे इसको हटा दीजिए और नीचे पापड़ डाल दीजिए,
और हमारे पास ऑरेंजेस भी हैं गार्निश के लिए। मुझे तो ये ऑरेंजेस बहुत पसंद हैं, एंड सैलेड जब आता है तो कई बार तो मैं सिर्फ ऑरेंज उठा के खा लेती हूँ। ये अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम अपना गार्निश कर देंगे। हमारा देसी चने और राजमा का सैलेड तैयार। रेड बीन एंड चिकपी सैलेड इज रेडी।